हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज के इस वीडियो में हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जब जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, वो अपने जिस फैमिली में या जिस समाज में उसने जन्म लिया है उसके मैनरिज्म को, उसके एटीट्यूड्स को, वहाँ की बोल चाल, भाषा, रहन सहन, वहाँ के एटीट्यूड्स, उन सबको ग्रहण करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी समाजीकरण कहलाती है। इस समाजीकरण के द्वारा वह इंडिविजुअल इस तरीके से इन एटीट्यूड्स, बिलीव्स और मैनरिज्म को ग्रहण करता है कि वो उस समाज में एक्सेप्टेबल हो पाए, उसका एक अच्छा मेंबर बनकर एक्सेप्ट हो पाए। फिर देखिए, टर्म सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच ग्रोइंग इंडिविजुअल लर्न्स हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ सोशल ग्रुप इनटू विच ही हैज बीन बॉर्न। जहां भी उसका जन्म हुआ है वहां के एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स को क्या करेगा, वो इंटरनलाइज करेगा ताकि वो उस समाज का एक हिस्सा बन पाए। फिर हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ग्रीन की एक डेफिनेशन है, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। ठीक है, लोक सम्मत मतलब जो उस समाज के लोग जो चीजें फॉलो करते हुए आए, जो वहां पर एक्सेप्टेबल मानी जाती है, जिसको समझा जाता है कि वो सही है, जब हम उन सारी चीजों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, समाजीकरण। फिशर के शब्दों में देखेंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। हमारे समाजीकरण के प्रोसेस के द्वारा हम उन मैनरिज्म को अपनाते हैं जिससे कि हम अपने समाज में इजीली अडेप्ट कर पाए। ठीक है, हम उन लोगों के साथ उठ बैठ पाए, उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार कर पाए। किम्बल यंग के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। ठीक है, तो अलग अलग जो आपके जो भी डेफिनेशंस दी गई उनमें एक जैसी ही बात यहाँ पर कही गई है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है एक व्यक्ति जो है एक सदस्य, एक समूह का सदस्य बनेगा। अब समाजीकरण इसकी प्रक्रिया के कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला है आपका, समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स है, कल्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी समाज का जो संस्कृति होती है उसमें उसकी भाषा, उसके बोलचाल, उसके रीति रिवाज, किस तरीके के वहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होंगे, क्या मैनरिज्म वहाँ पर अपनाई जाती है, क्या चीज़ें सही मानी जाती हैं, क्या चीज़ें गलत मानी जाती है, वो सारे जो सांस्कृतिक तत्व हैं उसको एक बच्चा जो है इंटरनलाइज करता है, उसे आत्मसात करता है, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हमने बोली ये सब चीजें एक बच्चा जो है सीख रहा है और धीरे धीरे इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग सीखता ही रहता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये समाजीकरण है। ठीक है, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हमने कहा, जन्म से शुरू हुई, जिस जगह पर बच्चे का जन्म हुआ है वो वहाँ की फैमिली से पहले थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन वगैरह सीखता है, इसके बाद भी जब वो स्कूल में जाएगा तो वो वहाँ की चीज़ों को सीखेगा, जब वो बड़ा होकर जॉब कर रहा है या किसी भी ऑक्यूपेशन में जा रहा है तो वो उस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और वहाँ की जो कल्चर है उसको ग्रहण करता है। तो ये जो प्रक्रिया है समाजीकरण की, ये लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। अनुकरण से प्रभावित होता है। बच्चों को आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, अपने बड़ों को इमिटेट करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, जैसा वो कर रहे हैं उसी को वो दोहराते हैं और इस अनुकरण द्वारा ही वो चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जो हैं गुड्डे गुड़ियों का जब खेल कर रहे होते हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं या किचन में खाना बना रही है मम्मी, ठीक है, उसको देखकर वो क्या करते हैं, गुड़िया भी जो है वो क्या कर रही, शादी के बाद खाना बना रही है। ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी, बच्चे अपने बड़ों को देख रहे हैं और उसी चीज़ को वो क्या करते हैं अपने खेल वगैरह में दर्शाते हैं। तो ये अनुकरण से जो है समाजीकरण जो है प्रभावित होता है। अनुकूलनशीलता आती है इससे, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी बच्चा जो है वो अपने समाज के साथ अच्छी तरीके से अनुकूलन बिठा पाता है, अडेप्ट हो पाता है। ठीक है, अगर हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि हमें अभी तक वहाँ का जो रहन सहन है, जो बोलचाल का तरीका है वो समझ में नहीं आता कि यहाँ लोग कैसे हैं, क्या चीज़ उनको अच्छी लगेगी, क्या चीज़ बुरी लगेगी, वो चीज़ सीखने में समय लगता है। इसी को समाजीकरण कहते हैं। जब हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ के मैनरिज्म को सीखेंगे, तभी हम उनके साथ अडेप्ट कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। फिर देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, किसी भी संस्कृति में जो भी हमने कहा रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो भी फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, जैसी भी ट्रेडिशंस उनके जो रिलीजन में या फिर आपके रिलीजन के समाज में चली आ रही हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर ये चीज़ें हस्तांतरित होती रहती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने देख ही लिया है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। औपचारिक कब हो रहा है, जब आप देखेंगे आप स्कूल में जाकर वहां का डिसिप्लिन वे में चीजों को सीख रहे हैं कि किस तरीके से आपको उठना बैठना है, मैनरिज्म सीख रहे हैं, वो एक औपचारिक तरीका है। जबकि आप अपनी फैमिली में रहते हुए जो चीजें सीख रहे हैं आसपास आपने बड़ों को करते हुए देखकर, उनके साथ उठ बैठकर, उनके साथ बोलकर हंसकर, ठीक है, ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं वो इनफॉर्मल तरीका है। तो समाजीकरण दोनों तरह से हो रहा है, औपचारिक तरीके से भी हो रहा है, अनौपचारिक तरीके से भी हो रहा है। फिर देखिए समाजीकरण जीव और उसके पर्यावरण की परस्पर क्रिया का उत्पाद है। तो समाजीकरण कब होगा, किसी इंडिविजुअल का इसी अपने आप समाजीकरण नहीं हो सकता। एक इंडिविजुअल जब अपने समाज के साथ, जब अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, तभी उसका समाजीकरण होगा। और लास्ट है आपका पॉइंट, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस वैलिडली मार्केटली फ्रॉम मार्गली फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। समाजीकरण की जो प्रथाएं होती है वो एक समाज से दूसरे समाज में, उसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी समाज में किसी रीति रिवाज को सही माना जाता है, जबकि किसी दूसरे समाज में उस रीति रिवाज को गलत माना जाता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये आपकी सोसाइटी टू सोसाइटी में डिफर करेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि समाजीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है आपका, प्राइमरी सोशलाइजेशन में हम देखते हैं कि ये आपका ग्राउंड सेट करता है किसके लिए, बच्चा जो जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ है सबसे पहले वो वहां पर बोलचाल सीखेगा, ठीक है, अपनी फैमिली का रहन सहन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग से पता चलता है कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वो फैमिली जिस समाज से बिलोंग करती है, उस समाज का भी रहन सहन या उठना बैठना कैसा है, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड सेट करता है, आधार बनाता है बच्चे के फर्दर सोशलाइजेशन का, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब पहली बार बच्चा जो है वो समाजीकरण के तत्वों को सीख रहा है तो वो है उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है, ये फैमिली रिलेशनशिप्स जो होती हैं आपकी, मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं, इसके बाद जो उनके बड़े दादा दादी, ठीक है, उसके अलावा जो रिलेटिव्स हुए वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब मिलकर प्राइमरी सोशलाइजेशन कर रहे हैं बच्चे का। सेकेंड है आपका गौड़ समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होगा, जब बच्चा अपनी फैमिली से बाहर निकलकर, अपने घर से बाहर निकल के स्कूल में एंटर कर रहा है, वहां पर जब है वो नए तरीके की मैनरिज्म सीख रहा है। अब वो एक बड़े समाज को देख रहा है, उसका एक पीयर ग्रुप हो गया है, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, इन सबके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है कि घर से बाहर निकलकर, घर में तो काफी चीजें एक्सेप्टेबल भी होती हैं, आप कैसे भी उठ बैठ सकते हो, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिसेंट होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बाहर नहीं कर सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। आपको बड़ों को हर जगह रिस्पेक्ट करना है ये तो सेम रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको बाहर निकल के उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है, हैबिट्स होती है इस तरीके की या मैनर्स होती है जिसको अच्छा माना जाता है, वो सब हमें कहाँ सीखने को मिलती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वहां पर हम उन मैनर्स को, उन हैबिट्स को सीखते हैं, ठीक है। ये है आपका गौड़ समाजीकरण सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस या जब हम भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके द्वारा हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है। तीसरा है आपका लैंगिक समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन में क्या होता है कि लड़कियां जिस तरह का उनसे रोल एक्सपेक्टेड है, उस रोल के जो फीचर्स हैं उसको अपनाएं, और लड़के जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिहेवियर उसको अपनाएं। ये जेंडर सोशलाइजेशन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा बच्चों के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। कैसे, जैसे कि अगर पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके बेटा भी है बेटी भी है, और अगर वो उसके लिए खिलौने लेकर आ रहे हैं तो बेटी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बेटी के लिए लेकर आ रहे हैं डॉल, और बेटे के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बेटे के लिए लेकर आ रहे हैं गन। तो ये क्या है, एक तरीके का जेंडर सोशलाइजेशन है। आप लड़के को क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए वो सिखा रहे हैं, और लड़कियों को क्या चीज़ें एक लड़की को करनी चाहिए आप वो चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जेंडर रोल्स उनके डिफाइन कर रहे हैं कि लड़कियों को क्या करना है, लड़कों को क्या करना है। ये चाहे आप सोच समझ के करें या अनजाने में करें, ये चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स के द्वारा भी हो रही है, टीचर्स को, हालांकि आजकल इसे बहुत डिस्करेज किया जाता है कि जेंडर रोल्स में या जेंडर बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए, जेंडर रोल्स में फिक्स नहीं करना चाहिए, आजकल सब चीज़ें सब लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जेंडर सोशलाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अग्रिम समाजीकरण का मतलब है एंटीसिपेटेड सोशलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए
उनके जैसी एक्टिविटीज को पहले से ही करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जैसे कॉलेज वगैरह में मान लो अगर हमें एक ग्रुप का हिस्सा बनना है, ठीक है, और उस ग्रुप में जो है सिगरेट पीना वगैरह भी बहुत कूल समझा जाता है, तो वो कोई जो व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है वो भी क्या करेगा, उसी तरीके की चीजें करना शुरू कर देगा ताकि वो उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो सके, उस ग्रुप के में एक्सेप्टेबल माना जाए। ठीक है, ऐसे ही हम और चीज़ें भी देख सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल अगर हम लें, कोई अगर सेना में जाना चाहता है तो वो पहले से ही क्या करता है, जल्दी उठकर दौड़ वौड़ लगाना शुरू कर देता है, डिसिप्लिन में आना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिजिकल अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि आगे जिस समाज में वो जाना चाहता है, जिस ग्रुप का वो हिस्सा बनना चाहता है, उसमें वो एक्सेप्टेबल हो सके, इसके लिए वो पहले से ही उस मैनर्स को, बिहेवियर को अपने व्यवहार में ले आता है। That is called anticipatory socialization. और फिर होता है आपका re-socialization, पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण का अर्थ है जब हम पहले की अपनी सीखी हुई चीजों को दोबारा से अब हम क्या करेंगे, उन्हें मिटाकर हम कुछ नई चीजें जो है वहां पे सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडियन व्यक्ति जो है वो फॉरेन कंट्री में, उसको मान लो जॉब मिलती है और वो वहां जा रहे हैं। अब हमारे और फॉरेन कंट्री के कल्चर में डिफरेंस है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर सही समझी जाती है वहाँ पर नहीं है, या फिर वहाँ पर मान लो कुछ डिफरेंट ही उनका बिहेवियर, मैनरिज्म वगैरह है, उनके रिचुअल्स हैं। तो अब अगर उस व्यक्ति को वहाँ रहना है तो वहीं के जो भी रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो बोलचाल है, भाषा, रहन सहन, वहाँ को उसको अपनाना पड़ेगा। तो अपना पिछला सोशलाइजेशन जो है उसे पीछे छोड़ के या भूल कर अब उसे क्या करना पड़ेगा, नई चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण। ठीक है, तो ये आपके समाजीकरण के कुछ प्रकार हैं। इसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन भी होता है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो हम वहाँ के मैनरिज्म को, वहाँ के बिहेवियर को, वहाँ की जो लोकल जर्गाओं होती है, अगर किसी इंडस्ट्री में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो हमें सीखने होते हैं, वहाँ पर किस किस लेवल पर काम होता है वो हमें सीखना होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें जब हम सीख रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन हो गया। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट आपके यही रहेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।